आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप ब्रश कैसे यूज करें, फुल ट्यूटोरियल पार्ट टू। इन केस अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है, लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसमें बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर पाई थी, जो इस वाले वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा मेकअप ब्रश यूज करें, कौन सा परचेज करें, उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर मेकअप ब्रश कौन कौन से होते हैं। सिमिलर मेकअप ब्रश यूज करने से ना सिर्फ हमारे मेकअप सेटल होते हैं, ब्लेंड अच्छे से होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिखते हैं और लगाना भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मेकअप ब्रश कौन कौन से होते हैं? There are 14 types of different makeup brushes. These are foundation brush, concealer brush, stippling brush, powder brush, eyeshadow brush, eyeshadow crease brush, eyeshadow blending brush, lip liner brush, lip brush, blush brush, mascara, spoolie brush, highlighter एंड ब्रॉन्जर, कॉन्टोरिंग ब्रश। हो गए कि मेकअप ब्रश कौन कौन से होते हैं, अब बात करते हैं कि मेकअप ब्रश यूज कैसे करें, जिसके लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ हिलेरी रोडा का प्रोफेशनल मेकअप ब्रशेस सेट ऑफ 5, जो कुछ इस तरह की आपको पैकेजिंग में मिलती हैं। इसमें आपको 5 सेट ऑफ पीसेस मिलते हैं ब्रश के, तो मैं 1 by 1 आपको बताती हूँ कि कौन कौन सा ब्रश आपको कैसे कैसे यूज करना है, या फिर आप डिफरेंट वेज में इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। आई हैव दिस आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, जो कुछ इस तरह की होती है। इससे हम अपनी आई शेडो को ब्लेंड करते हैं, चाहे वो एजेस पे हो, इनर लाइन पे हो, या फिर आउटर लाइन पे हो, बहुत अच्छी तरीके से ये क्लीन ब्लेंडिंग करती है और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग टच मिलती है, प्लस शार्पनेस भी इसमें ऐड होती है। सेकेंडली आप इसको यूज़ कर सकते हैं आईब्रोज को फिल करने के लिए। अगर आप यूज़ कर रहे हैं आईब्रो पैलेट्स, मतलब पेंसिल की जगह आप पैलेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसको फिल इन का काम आप इस ब्रश से भी कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए अलग से कोई ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड, आई हैव दिस आई शेडो क्रीज ब्रश, जो कुछ इस तरह की होती है। आप आई शेडोज को जब लोअर लैश लाइन पर लगाते हैं, यानी कि क्रीज लाइन पे लगाते हैं, तो हम इस वाली ब्रश का यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ये क्लीन, डिफाइन और आपको शार्प लुक देती है। प्लस आप इसको एज अ ब्लशर भी यूज कर सकते हैं, उसकी ट्यूटोरियल मैं फुल नेक्स्ट वाले वीडियोस में आपको दे दूंगी। इज दिस पाउडर ब्रश, जो कुछ इस तरह की होती है। इसके ब्रशेस काफी ज्यादा बड़े बड़े होते हैं और फ्लफी भी होते हैं। अगर आप यूज कर रहे हैं ट्रांसलूसेंट पाउडर, तो इससे काफी ज्यादा लगाने में बहुत ईजी हो जाता है। जस्ट आपने टैप करना है और थोड़े एक्सेस पाउडर को निकालना है, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप यूज कर रहे हैं कॉम्पैक्ट पाउडर, तो उसमें अलग से आपको पैड ब्रश दिए होते हैं। अगर आपके पास नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ कॉम्पैक्ट पाउडर ब्रश। प्लस आप इसको एज अ हाइलाइटर ब्रश भी यूज कर सकते हैं। यस, मैं इसको बहुत बार इसको एज अ हाइलाइटर ब्रश यूज करती हूँ। आपको अलग से कोई हाइलाइटर ब्रश लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको ही एज अ हाइलाइटर ब्रश यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है नेक्स्ट, आई हैव दिस लिप ब्रश, जो कुछ इस तरह की शेप में मिलती है और इसके स्ट्रोक्स काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं, लुक एट दैट। और इसके पॉइंट कुछ इस तरह के हैं, जिससे आपको लिपस्टिक लगाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। ऑल्सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं लिप लाइनर। अगर आप यूज़ करते हैं लिक्विड लिपस्टिक, वो पैलेट्स वाली, तो उसमें आप ऐसे लाइनर ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसको मैं दो तरीके से यूज़ करती हूँ, एज अ लिप ब्रश, एज अ लाइनर ब्रश। तो आप एक ही ब्रश से बहुत सारे डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगती है, प्लस उसमें शार्पनेस ऐड होती है और वो बहुत ज़्यादा ही फ्लॉलेस लगती है। ऑल्सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं आई शेडो के इनर कॉर्नर्स में। जब हम आई शेडो को इनर कॉर्नर में लगाते हैं, तो वहाँ पे आप इस तरह की ब्रश को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसके पॉइंटर पॉइंट्स कुछ इस तरह के इसके पॉइंट्स हैं, जिससे आप इनर कॉर्नर में जब आई शेडोज को लगाते हैं, तो वो इधर उधर नहीं होती, इट्स मीन्स फैल नहीं जाती। तो आप इस तरह की जो लिप लाइनर पेंसिल वाली जो ब्रश होती है, या फिर लिप ब्रश होती है, उसको आप आई शेडो के इनर में भी लगाने का यूज कर सकते हैं। आई हैव दिस स्पूली ब्रश, जो कुछ इस तरह की दिखती है। आई नो दिस इज नॉट एग्जैक्टली लुक लाइक स्पूली ब्रश। इसमें आपको एक साइड कॉम मिलती है, सेकेंड साइड आपको ब्रश मिलती है। ये यूज किया जाता है आईब्रोज को फिल करने में, डिफाइन करने में। सिंपली आपने करना क्या है, कॉम से पहले आईब्रो को कॉम करना है, उसके बाद ब्रश का यूज करना है, आईब्रो पेंसिल से उसको शेड करना है, शार्पनेस एड करने के लिए अगेन आपने ब्रश का यूज करना है, एंड दैट्स इट। हाउ इजी इट इज, सो कूल ना। उसके बाद आप
इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ मस्कारा, मस्कारा ब्लेंडिंग। आप जब भी मस्कारा लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आईलिट आपकी चिपक जाती है, तो आप इस ब्रश का यूज़ करके उस आईलिट, चिपके हुए आईलिट को हटा सकते हैं। सो ये दो टाइप में आपको काम कर सकती है। फर्स्टली आपको आईब्रो को सेट करने में काम करती है, सेकेंड आप मस्कारा की जो वो स्टिकनेस होती है उसको हटाने का काम करती है। तो आपको कुछ अलग से ब्रशेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैंने सब कवर कर लिया है इस वाली वीडियो में। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इस वाले ब्रश सेट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इन केस अगर आपको परचेज करना हो तो वहां से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा इसको फैमिली और फ्रेंड के साथ। एंड ऑल्सो आप मुझे बताइएगा कि ये वाला ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। मैं फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बिलीव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव योर गाइस, स्टार्ट अप, बाय बाय बाय।